अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं रिव्यू करूंगी ये एवलाइन के 3-in-1 चारकोल मास्क और फेस वॉश का। ये फेस वॉश के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, पीलिंग मास्क के तौर पे भी और सिंपली मास्क के लिए भी। मैंने ये तीनों तरीके से यूज़ करके देखा है और ये तीनों तरह से ही मुझे सेटिस्फाई करने में फेल रहा है। ना तो ये मुझे एज फेस वॉश अच्छा लगा है और ना ही ये मुझे एज मास्क अच्छा लगा। स्किन को अच्छे से क्लेंज ही नहीं करता, इसकी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर पिंपल्स होने लग गए थे और मुंह के अंदर से यूँ हीट सी निकलना शुरू हो गई थी। स्किन काफ़ी इरिटेट हो गई थी मेरी इससे। अच्छा भला कॉम्प्लेक्शन था, ये लगा के बिल्कुल ही डल और डार्क हो गया। मेरी सिस्टर ने इसको यूज़ किया था, उसको ये काफ़ी अच्छे से सूट किया था, लेकिन मेरे ये लिए तो ये बिल्कुल टोटली एक फेलियर है। ये जैसे लिया था वैसे पड़ा, मैंने इसको दोबारा यूज़ भी नहीं किया। मैं खोल के आपको इसका टेक्सचर वगैरह चेक करवाती हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे से दाने हैं जैसे स्क्रब के अंदर होते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे पेंट में से स्मेल आती है ना, इसमें से बिल्कुल वैसे ही स्मेल आती है। ये आप देख सकते हैं ऐसे क्रीमी से टेक्सचर में, और इसके अंदर हल्के हल्के से बीड्स हैं स्क्रब के। पता नहीं कैमरे पे सही नज़र आ रहे हैं आपको या नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं बीड्स इसके, छोटे छोटे से ही हैं। इसको स्किन के ऊपर लगाकर छोड़ देना और इसको ड्राई होने देना है। अगर आपने इसको एज मास्क यूज़ करना है और एज फेस वॉश यूज़ करना है तो बस आपने इसको पानी के साथ लगा के इसकी झाग बनानी है और चेहरे को धो लेना है। मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं की, तो इसलिए ये मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको परचेज़ करो या यूज़ करो। और मैं एवलाइन के प्रोडक्ट्स की कोई इतनी ख़ास फ़ैन भी नहीं हूँ। मैंने इनकी हैंड क्रीम यूज़ की थी और इनका लोशन भी यूज़ किया था, मुझे वो चीज़ें भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लोशन लगाने के बाद 5 मिनट के बाद आपकी स्किन फिर वैसे की वैसे ही ड्राई हो जाती है, बार बार बस लोशन ही लगाते रहो। और इसकी हैंड क्रीम ने भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं दिया, जैसे कि जैसे ड्राई हैंड्स थे वैसे के वैसे ही रह गए लगाने के बाद भी। इसके कंपैरिजन में जो एलमोर के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्थ बाइंग हैं। प्राइस का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है और रिज़ल्ट भी उनका बहुत अच्छा है। मैंने उनके प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह।